ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लीब्रा साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द लीब्रा। तो ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द लीब्रा। ओह, एंग्जाइटी, किस बात की एंग्जाइटी है? प्रेशर है अबाउट मैरिज कमिटमेंट, थोड़ा सी परेशानी दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके या किसी पर्सन को लेके। आपको लग रहा है कैसे होगा, क्या होगा, यू नो, सो वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ऐसी वाली एनर्जी हमें लीब्रा आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए आगे देख लेते हैं आपकी एनर्जी। अभी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? तो ये कुछ मसला हो सकता है जो लोग सबके लिए है एनर्जी, ठीक है, कि किसी बात को लेके परेशान हो रहे हैं, घर परिवार को लेके सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों की शादी के बारे में सोच रहे हैं, यू नो, फ्यूचर प्लानिंग, दिस एंड दैट, रिश्तेदारों के बारे में सोच रहे हैं, एंग्जाइटी बिल्डअप हो रही है। तो ऐसी एनर्जी हमें लीब्रा के लिए दिखाई दे रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशन जी स्टेबल, आई थिंक समथिंग इज स्टेबल, अ न्यू रिलेशनशिप और एनीथिंग, स्टेबिलिटी, ओके। आपकी एनर्जी क्या है? आई थिंक यू आर कैरिंग अ बर्डन, आप थोड़ा बर्डन ले रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर ले रहे हैं। इट्स लाइक कि ट्रम्पेट, ठीक है, कि वेकअप कॉल है कि चलो 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 चलो, टाइम है, टाइम है, ऐसे करना है, और आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू मैनेज इट, दैट काइंड ऑफ लाइक किसी बात को लेके प्रेशराइज्ड है, बर्डन है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, और आपको ये समझ नहीं आ रहा। सो थोड़ा सा सोच रहे हैं कैसे होगा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ऑफ कोर्स दे आर आल्सो जगलिंग, ये पर्सन जगल कर रहे हैं, ओके, दे आर, ये जो पर्सन है, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज इन डिलेमा, ओके, ये क्रॉस रोड्स पे हैं। अबाउट व्हाट? आई थिंक इट्स अबाउट, थोड़ा सा होपलेस है किसी बात को लेके, टेंस्ड है, या हो सकता है बातचीत चल रही है किसी से, या हो सकता है इनको लग रहा है कि कहीं डिले हो रहा है या क्या हो रहा है। ऐसी वाली एनर्जी आपके दिखाई दे रही है। आई थिंक दिस पर्सन, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? सो ये दे आर नॉट टेलिंग, व्हाट दे आर नॉट टेलिंग इज दैट दे लव यू, ओके, कि ये आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू। आई मीन ये हो सकता है इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दे आर हाइडिंग इमोशंस, ठीक है, और हो सकता है दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। सो वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, ओके? सो आई थिंक इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड, कुछ के लिए हो सकता है मैरिज, कुछ के लिए हो सकता है कमिटमेंट, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, या आई मीन हो सकता है कि थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है यहाँ पे, कि बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग हो रही है कि कैसे होगा, क्या होगा। कुछ के लिए हो सकता है गेटिंग मैरिड, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना है कि कैसे, क्या, कब। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो सीम्स टू बी पॉजिटिव, ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है आउटकम इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ही होने वाला है लीब्रा, ओके। जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए आई थिंक इट्स अबाउट सम न्यूज़, और मे बी या आई मीन कोई किसी के साथ कम्युनिकेशन, चैट, बात हो सकती है, लेकिन ऑन ऑफ, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा इसको टाइम लग सकता है डेवलप होने में, ठीक है, जो लोग टोटली सिंगल हैं। चलिए अब हम आपके करियर की बात करेंगे लीब्रा, ऑफ कोर्स करियर वाइज। ओके, सो करियर वाइज हमारे पास अगेन काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रहा है, मनी वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है, और मनी कमिंग इन, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, ग्रोथ है, अच्छा है, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इट्स अबाउट, बट स्टिल आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर दैट, वो कोई एक अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी वो, है ना। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, उसके लिए आप स्ट्रगल नहीं कहूँगी, इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन, कि एक बैटल आप जीत चुके हैं, अब आपको लगता है इट्स टाइम फॉर समथिंग, यू नो, लाइक आगे बढ़े और चीज़ आगे बढ़े। सो उसमें आप, आई थिंक आप थोड़ा सा डिसकंटेंट फील कर सकते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, यू नो, कि वो जो अंदर से, लाइक ऑल दो यू आर गुड, ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है आपका खर्चा हो रहा है, आप कहीं स्पेंड कर रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट मैरिज और समथिंग, एंड यू वॉन्ट कि चीज़ें और अच्छी हों, बेहतर हों, ऐसी भी लीब्रा की एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। इट्स अबाउट कंटेंटमेंट, आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, यू नो, इट्स अबाउट नेम, फेम, वेल्थ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी।
सो इट्स अ गुड एनर्जी कि आप यू नो कुछ अचीव करना चाहते हैं. चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है. ओके सो हील योर हार्ट. एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं इट्स अबाउट पीरियड लाइक ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग. सो हील योर हार्ट ठीक है एंड सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट. अपने लाइफ का हर एक मोमेंट आपको सेलिब्रेट करना चाहिए. इट्स अबाउट दैट एंड यू शुड बी हैप्पी. ओके ये वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. ओपन अप रिसीव एक्सेप्ट यू नो फॉरगिव लेट गो सारे ये जो वर्ड्स हैं ठीक है तो वो आज की रीडिंग में हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि इट्स टाइम समथिंग चेंजिंग कुछ चेंज हो रहा है. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर.